नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इसका नाम है कमर्शियल वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, आज हम लोग रिव्यू कुछ नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे टाटा की LPT 4823 काउल गाड़ी की, साथ में हम लोग कंपैरिजन करेंगे टाटा की LPT 4923 काउल गाड़ी की। दोनों ही 16 व्हीलर टायर गाड़ी है और सामने से आप देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस गाड़ी का कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, जैसे कि सामने में चल देख पा रहे हैं आप लोग, ये देखिए, ये है टाटा की 4923 BS4 काउल गाड़ी, 16 व्हीलर है। और ठीक इसके बगल में हम लोग रखे हैं टाटा की 4823 कमिंस इंजन BS4, ये देखिए काउल गाड़ी, ये भी 16 व्हीलर टायर है। ये देखिए, आज हम लोग इस गाड़ी का पूरा डिटेल्स में कंपैरिजन करेंगे दोनों गाड़ियों का। आप पहले गाड़ी देख लीजिए, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करते हैं। यह है 4923, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों गाड़ी की प्राइस की, जो कि 4823 28 फीट की आती है और इसका जो प्राइस है 38,10,000, 38,10,000। और ठीक इसके बगल में जो 4923 है, ब्लोअर में आती है दोनों गाड़ियाँ, इसका दाम है 38,57,000, 38,57,000। इस इन दोनों गाड़ियों में डीलर के साथ आप लोग बात करने से कुछ डिस्काउंट आपको मिलता है, जो कि मैं वेस्ट बंगाल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और वेस्ट बंगाल में 483 पे आपको लगभग 2 लाख रुपया डिस्काउंट मिल जाता है डीलर की तरफ से, और 4923 पे आपको लगभग 3.5 से 4 लाख तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे डीलर से। तो दोस्तों, ये था इसका प्राइस। अब माइलेज की बात करें, दोनों गाड़ी का लगभग सेम है, वो आपको 3 आराम से मिल जाएगी, 3 की। ये था माइलेज। और दोस्तों चलिए, इन दोनों गाड़ियों का इंजिन सेम है। इंजिन आपका मिलेगा आपको कमिंस ISB 230 HP पे BS4 पे। इसका जो कंप्रेशन, इसका जो इंजन का टाइप रहेगा, वो कंप्रेशन इग्निशन वाटर कूल डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज इंटरकूल डीजल इंजन मिलेगा आपको इसमें, विथ ई विस्कस फैन। इसमें जो आपको सिलेंडर्स मिलेगा दोनों गाड़ी में, आपको 6 सिलेंडर मिलेगी, 6 इनलाइन सिलेंडर्स। और इन बोर और स्ट्रोक की बात करें तो दोनों गाड़ी का सेम है। बोर रहेगा 102 mm और स्ट्रोक रहेगा 120 mm। और अगर इस गाड़ी की हम लोग कैपेसिटी की बात करें, इंजन कैपेसिटी की, तो 5883 cc की कैपेसिटी रहेगी। और इसका जो मैक्सिमम इंजन आउटपुट रहेगा 170 kW एट 2500 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क रहेगा जो आपका 700 Nm 1200 से 1700 RPM पे। अच्छा, इसका जो फ्यूल इंजेक्शन पंप आता है, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगी दोनों गाड़ी में। ऑप्शन वन आपको बॉस का मिलता है, जो कि CB28 है। ऑप्शन टू आपको कमिंस OLP मिलता है, जो कि 18.1 फ्यूल सिस्टम है। और इस कमिंस का जो इंजन है, इसका जो मैक्सिमम टॉर्क रहेगा वो रहेगा 810 Nm आपको 1000 से 1800 RPM पे। क्लच दोनों गाड़ियों का सेम मिलेगा आपको, सिंगल प्लेट डाइफेक्शन टाइप में, जिसका डायमीटर रहेगा 380 mm। गियरबॉक्स भी आपको लगभग सेम मिलेगी, वही 1150 DD9S। ये देखिए, इसका गियर बॉक्स आपको वही सेम मिलता है, G1150 DD9S, जो कि 9 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स है। 12.87 रेशियो रहेगा इसका दोनों ही गाड़ियों का। ये देखिए, गियर बेस भी आपको सेम ही मिलता है, और रियर एक्सल भी आपको सेम मिलेगा, RA110HD और रिवर फॉरवर्ड, और RA910 रिवर्स रिवर्ड में। और फ्रंट एक्सल आपको ट्विन स्टेबल एक्सल मिलेगा, फ्रंट एक्सल में आपको ट्विन मिलेगा, देख लीजिए, ट्विन स्टेरेबल एक्सल मिलेगा, पुशर लिफ्ट एक्सल और टैग लिफ्ट एक्सल 7 टन का, ठीक है। और कैबिन में आपको काउल मिलेगा, जो कि 15 का फिटेड रहता है, और साथ में आपको एसी और ब्लोअर का ऑप्शन मिलता है दोनों ही गाड़ी में। और इसका स्टीयरिंग जो रहेगा, आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलेगा आपको। ब्रेक्स दोनों ही गाड़ी में डुअल सर्किट फुल एयर स्कैम ब्रेक मिलेगी। और सस्पेंशन की बात करें, दोनों गाड़ी में पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग फ्रंट में मिलेगा, और सेमी इलेप्टिकल लीफ रियर में मिलेगा।
और दोनों ही गाड़ी का जो लिफ्ट एक्सल के लिए एयर सस्पेंशन है, एयर सस्पेंशन फॉर लिफ्ट एक्सल दोनों गाड़ियों के लिए। दोस्तों ये था इसका सस्पेंशन। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसका शॉक एब्जर्व का। दोनों ही गाड़ी का सेम ही है, हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप पे, ये देखिए। चलिए दोस्तों अब इसके व्हील्स एंड टायर्स की बात कर ले। 49323 का जो बात कर ले हम लोग, तो फ्रंट का 4 ट्विन स्टेयर मिलता है आपको, ये देखिए 4923 का फ्रंट का 4 ट्विन स्टेयर में, और रियर ड्राइव में आपको 4 मिल जाएगा। ये देखिए फ्रंट का 4 हो गया, रियर ड्राइव का 4। अच्छा उसके बाद आपको रियर डमी में 4 मिलेगा, पुशर लिफ्ट एक्सल में 2 मिलेगा, टैग लिफ्ट एक्सल में 2 मिलेगा, समझ गए। टोटल आपका 16 हो गया, स्पेयर टायर में 1 है, ये देखिए स्पेयर टायर टोटल आपका 17 टायर हो गया 4923 का। अब हम लोग चलते हैं 4823 में। दोस्तों ये देखिए 4823, और अब हम चलते हैं इसके टायर के पीछे, देख लीजिए आप। 482 का फ्रंट 4 मिलेगा ट्विन स्टार में, ये देखिए फ्रंट का 1 और यहाँ 2 और वहां पे 2 है, 4 हो गया। अच्छा इसके बाद आपको रियर ड्राइव में 4 और रियर डमी में 4 जो कि आप देख रहे हैं, देखिए रियर डमी में 4 हो गया, रियर ड्राइव में 4 हो गया, देखिए 4823 का। और पुशर लेफ्ट एक्सल में 4 मिलेगा आपको, ये है पुशर लेफ्ट एक्सल, देखिए 4 जो कि इसमें 2 था 4923 में, 4823 में आपको 4 मिलता है, देखिए। और ये जो 2 है आपका रियर डमी हो गया और पुशर लेफ्ट एक्सल, यहाँ पे एक तो रहेगी आपका स्पेयर टायर, टोटल हो गया आपका 17 टायर हो गया इसमें भी, ये देखिए आपको मैं क्लियर दिखा रहा हूँ यहाँ से। और ये देख लीजिए इसका 4923 का। दोस्तों अब हम इसकी टायर की बात करते हैं, दोनों गाड़ी पे टायर की बात करें तो सबसे पहले 4823 की बात करें तो फ्रंट का जो आपको मिलता है, चलिए देखते हैं हम लोग फ्रंट का 295/80R 22.5 टायर की साइज रहेगी, ये देखिए 295/90R 20 देखिए। और रियर की मिलेगी आपको, देख लीजिए हजार बीस की, देख लीजिए ब्लॉक में, और ये भी 1020 है स्पेयर, लेकिन आपको 295/90R 20 मिलता है 4823 में। अब चलते हैं हम लोग 4923 की ओर। 4923 का जो रियर में आपको मिलेगा, फ्रंट और स्पेयर में जो मिलेगा 295/80R 20 और रिब में मिलेगा, और रियर का मिलेगा 290/80R 22.5 ब्लॉक में, ये देखिए। दोस्तों अब हम दोनों ही गाड़ी का फ्यूल टैंक की बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं 4923 की फ्यूल टैंक के पास, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये है 4923 का फ्यूल टैंक। इसका टोटल कैपेसिटी है 300 लीटर्स का, देखिए ये 300 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। और अब हम लोग चलते हैं 4823 का फ्यूल टैंक के पास, ये देखिए ठीक इसके बगल में ये है 4823 का टैंक, ये कि ये भी 300 का है, और ठीक बगल में आपको एक और टैंक मिलता है, ये देखिए चलिए हम दिखाते हैं आपको, जो कि 200 का एक्स्ट्रा आपको टैंक मिलता है फ्यूल टैंक 4823 के ऊपर, ये देखिए। तो आपको टोटल 500 लीटर्स का डीजल टैंक मिल जाता है 4823 में, और जबकि आपको 4923 में आपको मिलता है सिर्फ 300 लीटर्स का। फ्रेम की बात करें दोनों गाड़ियों का सेम रहेगा, लेदर टाइप हैवी ड्यूटी फ्रेम है विद बोल्टेड क्रॉस मेंबर, ये देखिए। अब फ्रेम की बात करें चेसिस फ्रेम की, तो लेदर टाइप हैवी ड्यूटी फ्रेम है विद बोल्टेड क्रॉस मेंबर्स, देखिए पीछे में क्रॉस मेंबर बैकलाइट का, इसे क्रॉस मेंबर बोलते हैं हम लोग, जो बैकलाइट के नीचे में है, और ये चेचिस फ्रेम में है, देखिए सीडी की तरह, इसीलिए लैडर टाइप बोलते हैं इसे, हैवी ड्यूटी फ्रेम है ये। चलिए दोस्तों दोनों ही गाड़ी का अब हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस भी दोस्तों बात करेंगे तो दोनों गाड़ी का जो मैक्सिमम स्पीड है वो रहेगा 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अभी सरकार की तरफ गवर्नमेंट की तरफ से SLD लगाने की अनुमति है,
इसीलिए हर गाड़ी में SLD लगा देते हैं, तो इसीलिए इसकी स्पीड जो रहेगी वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी। ग्रेडिबिलिटी जो चढ़ाई की क्षमता है दोनों गाड़ी की लगभग सेम है, 19% मिलता है आप लोग को, 19% ग्रेडिबिलिटी। साथ में इसका जो मिनिमम टर्निंग सर्कल डायमीटर जो रहेगा 23.8 का रहेगा। और अगर दोनों ही गाड़ी का हम चीचीज का डायमेंशन की बात करें तो इसका जो व्हील बेस है दोनों का 6730 मिलीमीटर, और इसका ओवरऑल लेंथ रहेगा 11400 11400 ट्रैक फ्रंट रहेगा 2076 मिलीमीटर, ट्रैक रियर रहेगा 1860 मिलीमीटर, और ओ फ्रंट ओवर हैंग रहेगा 1379 मिलीमीटर। ये मैं आपको 4923 का बता रहा हूँ, इसीलिए 4923 गाड़ी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए चेचिस के बारे में डायमेंशंस की। और इसका जो रियर ओवर रहेगा 950 फ्रॉम टैग लिफ्ट एक्सेल टू चेचिस, इसका जो रियर ओवर है वो 950 मिलीमीटर रहेगा फ्रॉम टैग लिफ्ट एक्सेल टू चेसी। और अगर हम 4823 की बात करें तो इसका जो व्हील बेस है वो है टोटल 10980, ओवरऑल लेंथ वही सेम रहेगा, ट्रैक फ्रंट 2076 मिलीमीटर, ट्रैक रियर 1860 मिलीमीटर, फ्रंट ओवर 1379 मिलीमीटर, और रियर ओवरहैंग जो रहेगा 894 मिलीमीटर रहेगा 4823 का, जो कि 4923 का आपका 950 है, इसका 894 रहेगा। GVW की बात करें तो हम लोग 4923 का जो GVW आता है ये आपको आता है 49 टन में, आप 49 टन की इसकी GVW आती है, पासिंग है, 49 टन की गाड़ी है ये। और ये गाड़ी जो है ये है 47 टन 500 kg, माने 47.5 टन, तो इसमें आपको 1.5 टन की कम कैपेसिटी मिलती है, इसमें 47.5 टन पासिंग है, और 4923 में आपको 49 टन की पासिंग मिलती है। अब दोस्तों हम अपना वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, और हमारे सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए हमारे इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको कुछ भी इस दोनों गाड़ी विषय में और भी कुछ जानना हो तो प्लीज़ हमारे कॉमेंट में से कमेंट कीजिए, हम आपकी जितना हो सके उतना मदद करेंगे। चलिए दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।